सर जैनब भी बात कर रही। मैं इंडिया से, हैदराबाद से, मेरे को एजेंट ने भेजा यहाँ से। माँ की 1200 तनख्वाह है, इंडिया की 20,000 तनख्वाह है। तुम्हारे कम फैमिली है, 4 बच्चे, मियाँ बीवी रहेंगे, घर छोटा रहेगा, आप बहुत मज़े में रहेंगे, बहुत मेरे याद करेंगे तुम, हज उमरा करेंगे तुम। मेरे को झूठ बोल के भेजा मेरे यहाँ से। मगर वहाँ जाके देखे तो क्या 10 बच्चे, 8 जने बड़े, 800 गज पे घर, सुबह 5 बजे उठना, रात के 1 बजे 2 बजे सोना, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं वैसी रह गई। मगर 2 महीने 3 महीने हो गया, पैसे दो तो पैसे नहीं दिए। कई के पैसे बोल को बोले। वहाँ खजूर का एक झाड़ था, वो झाड़ को तेरे को फांसी लगा के तेरा ख़त्म कर देते। पैसे की से कुछ भी नहीं, काम कर काम बोले मेरे को। खामोश में काम कर ली, फिर भी मेरे को पैसे नहीं दिए। लगा मेरे को बात नहीं करा है इंडिया से, इंडिया को बच्चा से बात कराओ तो बात नहीं करा है मेरे को। पैरा पड़ी, मदद मांगी, मगर बात नहीं करा है। जान दे बोल के मैं खामोश हो गई, फिर भी मैं बर्दाश्त कर ली। फिर क्या करे उन लगा, वो घर से दूसरे घर पे रखे मेरे को। दूसरे घर पे रखे तो वहाँ भी वैसी करे मेरे को। वहाँ से ला के फिर मेरे को घर कैद में रख दिया। मेरे को कैद में रख के काम लेते गया, मेरे साथ छेड़खानी करा, मेरी मैक्सी खींच के फाड़ा, उन खाना नहीं दिया। मैं बहुत बेजहरगी गा के मैं फिनाइल पी ली 1 बॉटल। पी लेने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं बहुत मदद मांग रही थी हर किसी से, मगर कोई मदद नहीं दिए मेरे को वहाँ पर। मगर एक कचरा फेंकने बाहर निकल के एक आदमी को पैरा हाथा जोड़ी तो जब मेरे को मदद मिली, मेरे बच्चों से जब मेरे को बात करने लगा, मेरे को 4 महीने मैं कैसा जी, मैं क्या नहीं, मेरे पेट में खाना नहीं, तड़पी, मगर कोई ये नहीं कर। खून के उल्टियाँ होना शुरू हो गए, नाक में से खून गिर रहा। मैडम अना दम्मी बोले, तभी माँ भी मुश्किल बोल को बोले। एक पेराडोन गोली दे के इलाज कराए, बस ना डॉक्टर को बताए ना कुछ बताए। बाद में मैं बीमार होके नीचे पड़ने लगी तो जब बुला के ला के उंगली में टेस्ट करके बीपी चेक करके वो बहुत परेशान है, हो जाएंगे इसको दवाखाने को लेके जाओ बोले तो, मगर दवाखाने को नहीं लेंगे, कभी बाहर नहीं लेके गए मेरे को दवाखाने। मगर घर में रख के वही पेराडोन गोली खिलाए मेरे को, मगर कभी दवाखाने की सूरत नहीं देखी मैं। मगर काम लेते गए, काम लेते गए, बस काम करते गए मैं करते गए, मगर एक पैसा नहीं दिए मेरे को मालूम। ना मेरे को शैम्पू दिए, ना साबुन दिए, ना कुछ दिए। मेरे पास 50 रियाल थे वहाँ के सऊदी के, वही पैसा में मैं मंगा ली, वही वो कर ली। मगर मैं आटे की अम्बिल खबूज के आटे की अम्बिल की बना के पी, मगर खाना नहीं खाई मैं कभी दिन। मगर मैं बहुत बर्दाश्त करी, हर चीज़ को बर्दाश्त करी। मर एजेंट मेरे को धोखे में रख के भेजा, मेरे मुल्ला मुर्शद करके मेरे को तावीज डाल के, किशन बाग में रहता वो मुल्ला मुर्शद, उसका नाम खाजा भाई है, वो मुर्शद के पास भेज के मेरे जाने के टाइम पे मेरे गले में तावीज डाल के भेजा, मेरा मुंह बंद कराना बोल के। मालूम साहब मेरे को बहुत बहुत तकलीफा दी। मर कभी दिन यहाँ से इंडिया से कोई कब एजेंट के भरोसे पर लेडीज जाना नहीं। आप लोग कोशिश करके मेरे को जो मेरे को यहाँ तक बुला लिए, मेरे मेरे बच्चा में मेरी माँ बुढ़ी है, मेरी माँ के वास से भी मेरे बच्चे इंडिया के, आप एक बच्चा है मेरा उसके वास से भी गई, मेरे बच्चियाँ हैं, हज उमरा कराते होंगे बिल्कुल भी गई। मैं बहुत बहुत दिल में अरमान आरजू से गई, मगर कोई आरजू अरमान नहीं हुई। आखिरी में मेरे मेरे जान पे लाले के मैं यहाँ तक भी पहुँची। मेरी लाश आती थी साहब, मेरी लाश आती थी मालूम। अगर मेरे आप लोग हिम्मत नहीं देते थे, आप लोग मेरे कोशिश नहीं करते थे, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती थी। मेरे बच्चे की मैं सूरत नहीं देखती थी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैं अब तक, दिल को बहुत बर्दाश्त कर ली, बहुत बर्दाश्त कर लो यहाँ तक आके पहुँची। मेरी जान का कोई भरोसा नहीं है, मगर मेरी हालत को देखेंगे तो कोई वो नहीं कर रहे मालूम। कल आई तो मेरे ऐसा आप ही छे बोल रहे मेरे, क्या मोटे थे क्या दुबले हो के गए, जब माँ 4 पैसे के वहाँ से मौत के गड़े में उतरे जब तुम बोल रहे मेरे को। मगर मैं
कुछ नहीं कर सकी। आई मगर सऊदी से आई, सऊदी के एयरपोर्ट पे से शुरू होने लगा, मैं फिर भी बर्दाश्त कर ले के कैसा भी सफर करना है, मेरे को इंडिया जाना है, बहुत बर्दाश्त कर। शारजा एयरपोर्ट पे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, प्लेन उड़ते से थोड़ी दूर तक प्लेन चलेगा, मगर वो प्लेन को रुका के मैं शारजा एयरपोर्ट पे ऑक्सीजन एम्बुलेंस गाड़ी में ले जाएंगे, मेरा इलाज कराए, ग्लूकोस वो चढ़ाए, मेरे इलाज करा के उसके बाद मेरे सर्टिफिकेट दे के जब बम्बई को भेजे, बम्बई से मैं इंडिया को कल उतरी 11:30 को। साहब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत मेहरबानी है, ये गरीब की मदद ली है, बहुत बहुत दुआ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, अगर मेरे बच्चे अगर नहीं रहते थे मैं आप लोग नहीं बुलाते थे, मैं यहाँ तक नहीं आती थी, मेरी सूरत बस कफन के कपड़े में आना पड़ता था, मेरे बस मेरे बच्चे लावारिश होते थे मालूम, मैं बहुत बर्दाश्त करके आई साहब, मैं बोल नहीं सकती, मैं कुछ मेरे दिल में बहुत तकलीफ है, मैं किसको सुनूं साहब, मेरे पैसा नहीं कुछ भी नहीं, मेरे इलाज कराने के लिए एक पैसा नहीं है मालूम, मेरे बच्चे बिल बिल है, अम्मी घर में चावल नहीं है, घर का किराया नहीं, अम्मी कैसा करना बोले तो मैं क्या करूं बेटे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसा करूं, किसको मदद मांगू, बोल के बोली बर्दाश्त करो बस, मैं हाथों की नहीं हाथों की बोल के बहुत बर्दाश्त करी साहब, मैं बहुत बर्दाश्त करी अपने आप को, मैं तबाह तबाह कर ली, मौत के गड़े में उतरी साहब, मैं बहुत तबाह तबाह कर ली, मैं कभी दिन मैं सोची भी नहीं थी इतने साल में मेरी कितनी बड़ी सजा मिलती, बोल के कभी कोई हटके ठहरो नहीं बोले थे साहब मेरे को कोई भी, इतने साल इतने बच्चे पैदा करे मगर कोई मेरे को नहीं करे, मेरे बहुत दिल को तकलीफ हो गई मालूम साहब, मेरे मैं यहाँ तक आके पहुंची सोच बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे को, हमने भला खान साहब मेरे यहाँ तक कोशिश करके बुला लिए, आप लोग बहुत मेहरबानी है मालूम, मैडम भी बहुत मेरे बात से बहुत कोशिश करें, आप लोग हम बुला लिए, मेरी दुआएं आपके साथ है साहब, मैडम आप लोगों की दुआ है, मेरा कोई भरोसा नहीं, राज लेके यहाँ पर मारे तीन फसलियाँ काम नहीं कर रहे, दिल में टीस दे रहा मालूम, चंद दिन रहतू नहीं मालूम, फिर भी मेरे बच्चों की जरूरत देखे मैं हिम्मत से हूँ, मगर कोई भरोसा नहीं है मेरा मालूम, 37 की हूँ मैं कोई 50 साल की नहीं हूँ, मगर मेरे देख के लोग क्या हुआ पूछ रहे मालूम मेरे को, मेरे को आप लोग बहुत मदद करे सर, बहुत बड़ी बात है, बस आप लोगों की मेहरबानी है, मैं बहुत बड़ी गलती में गई मालूम, कोई किसी के भरोसे पे नहीं जाना आजकल, किसी के भरोसे पे नहीं जाना बस।